हाय गाइस, वेलकम टू फरी फ्रेंड। आज जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल से या फिर ये जो आपने सामने सामान देख रहे हैं, आई थिंक आपको दिख रहा है कि आज हम बनाएंगे बड़ी की एक्सेसरीज हॉल। सो दीज आर ऑल द आइटम्स दैट वी बॉट फॉर बड़ी, सो दीज आर ऑल द आइटम्स दैट वी बॉट फॉर बड़ी दैट वी गॉट फॉर बड़ी। और मैं आपको वन बाई वन दिखाता हूँ। एंड बाय द वे, नन ऑफ दीज आइटम्स आर स्पॉन्सर्ड, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या सामान लिया है बड़ी के लिए, जब वो पपी था, जब वो अब बड़ा हो गया थोड़ा सा। और इन सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। अगर आप यूएस में हैं उसका अमेजोन यूएस का लिंक होगा, अगर आप इंडिया में हैं उसका अमेजोन इंडिया का लिंक होगा, तो यू कैन चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट। मैं इधर राइट से चलता हूँ, मतलब मेरे राइट से लेफ्ट पे चलता हूँ। बड़ी बड़ी चीज़ दिखाता हूँ पहले आपको मैं। सॉरी ये मैं था। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको बड़ी का फूड बोल। यह फूड एंड वाटर बोल, इसके अंदर फूड और वाटर के दो कंटेनर्स हैं, वो भी हमने निकाल रखे हैं। पर ये बहुत अमेजिंग बोल है, और द रीज़न हमने ये वाला लिया है, ये हमने ये सेकंड बोल लिया है बाय द वे। फर्स्ट बोल छोटा था जब पपी, जब वो बड़ी छोटा था, अब बड़ी बड़ा हो गया है, तब हमने ये वाला लिया है क्योंकि ये एडजस्टेबल है। इसका यही बहुत बड़ा फ़ायदा है, इससे आप लेग्स निकाल के इसको बिल्कुल छोटा कर सकते हो, ऐसे तो ये छोटा बन जाएगा यहाँ से भी निकाल के, तो ऐसे निकाल के ये छोटा भी हो जाता है। और जब पपी बड़ा हो जाए तब आप इसको वर्टिकल करते हो तो और ऊंचा हो जाएगा हाइट में। तब हमें एक्चुअली सेकेंड टाइम इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमने दूसरा ले लिया, हमें पता नहीं था कि फूड बोल भी छोटे हो जाते हैं जब डॉग बड़ा हो जाता है, ये लार्ज ब्रीड होती है लैब्राडोर। तो ये बहुत अच्छा बोल है, चेक इट आउट। अगर आप पपी लाए हैं तो पपी स्टेज में भी काम करेगा, जब पपी बड़ा हो जाएगा तब वो ज़्यादा झुक के खाना ना खाए, इसलिए आप ये वाला ले सकते हैं ताकि वो वर्टिकल करके लंबा हो जाए। तो दैट्स द फूड बोल, मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं इसके फूड बॉक्स, फूड कंटेनर के ऊपर। तो ये है उसका फूड कंटेनर जो एयर टाइट है, हम इसको ऐसे खोलते हैं, इसके अंदर उसका फूड का बैग है। आप देख सकते हो रबड़ की लाइनिंग है, इससे एयर टाइट रहता है। तो एडवांटेज अगेन यही है इसका कि इसके अंदर खाना ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी मॉइस्ट पानी मॉइस्चर नहीं आएगा। तो इट्स अ यू नो ग्रेट ग्रेट थिंग टू हैव। इसके नीचे व्हील्स हैं, आप आराम से इसको स्लाइड कर सकते हो। ये आराम से 50-60 पाउंड का फूड बैग कैरी कर सकता है। अभी इसके अंदर 40 पाउंड का फूड बैग रखा हुआ है, जो आप देख रहे हो ये 40 पाउंड का बैग है इसके अंदर, इसमें। तो बहुत अच्छा बोल है, कंटेनर है। नेक्स्ट हम चलते हैं बड़ी के बेड्स के ऊपर। बड़ी के पास दो बेड्स हैं अभी। इसकी ब्लैंकेट है जो हमने बड़ी को दे रखी है। बड़ी ऐसे ब्लैंकेट पे ओढ़ता नहीं है, और हम क्या करते हैं बिछा देते हैं बेड के ऊपर, जब रात को कभी कभार ठंड हो जाती है तो उसके अंदर उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। ये बड़ी के दो बेड्स हैं, ये बहुत ही कॉम्फी बेड है, गोल राउंड बेड है, डॉग्स को राउंड और ऐसे गोल गोल होके सोना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बड़ा अच्छा बेड है, ये हमें मिला था कॉस्को से। इसका लिंक तो मैं डाल नहीं पाऊंगा क्योंकि ये ऑनलाइन हमने नहीं लिया था, और ये हमने रखा हुआ है नीचे लिविंग रूम में। तो अभी हमने दो बेड इसलिए लिए ताकि हमें बार बार यू नो बेडरूम से लिविंग रूम में ऐसे बेड्स को लेके ना जाना पड़े। तो एक बेड परमानेंटली लिविंग रूम में रहता है, दूसरा बेड परमानेंटली बेडरूम में रहता है। मैं अब दूसरा बेड दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख सकते हो इसके अंदर एक हेड रेस्ट है, तो बड़ी इसके ऊपर लेट के इसके ऊपर सिर रख के आराम कर सकता है। और ये बेड गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, ये एक ऑर्थोपेडिक बेड है। इसके अंदर एक ऊपर एक कूलिंग फोम लगी हुई है, तो गर्मियों में बहुत ही ठंडा रहता है डॉग्स के लिए। ये दोनों बेड बहुत वॉशेबल हैं, आप इसका कवर निकाल के आप वॉश कर सकते हो। आपने देखा ये है हमारे ब्लॉग चैनल पे, हमने बड़ी का बेड धोया हुआ है वह मशीन के अंदर, तो बहुत अच्छे बेड था। और गलती हमने ये वाला बेड लेकर, एक्चुअली तब जब पपी था तब ये हुई हमसे गलती, कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव बेड है, ये अबाउट $70 का बेड है। तो पपीहुड में महंगी चीज़ें ना लें, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो एक थोड़ा सा धागा निकल रहा है, ये एक्चुअली बडी जब पपी था तो इसने इसको च्यू कर दिया था। तो पपीहुड में महंगी चीज़ें ना लें, जब डॉग बड़ा हो जाए, जब उसको च्यू करने की आदत ना हो, जब चीज़ें फाड़े नहीं, तब आप उसको महंगा बेड ले सकते हैं। जा बैठ जा। ओके मूविंग ऑन, बड़ी की बेल्ट और कॉलर जिसको बोलते हैं, ये तो आपने देखा ही था हमारी वीडियो में, बहुत लेदर का बहुत प्यारा कॉलर है। और अभी बड़ी ने नहीं पहन रखा है क्योंकि घर के अंदर हम कभी कभी उतार देते हैं, बाहर जाते हैं तो बड़ी ज़रूर पहनते हैं। ये बड़ी का नेम टैग, ये जो आप देख ही रहे हैं, ये तो आपने बहुत वीडियोज में देखा ही है। ये कस्टमाइज टैग है, हमने एक अमेजोन से ही लिया है ये भी,
और बडी का नाम हमने कस्टम प्रिंट कराया हुआ है इसके ऊपर। ये सारी चीज़ों का लिंक्स, जिस चीज़ का भी लिंक अवेलेबल होगा मैं सब वीडियो में डाल दूंगा, यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट मूविंग ऑन, लीश तो बहुत कॉमन है, लीश में नथिंग स्पेशल अबाउट इट, और बहुत स्ट्रांग है, अच्छी लीश है। और ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो, उसके अंदर ये इसका 40 बैग्स है, जो कि जब भी हम वॉक पे जाते हैं, जब भी हम वॉक पे जाते हैं, आपने देखा बडी को वॉक कितना पसंद है। अच्छा बात तो करने दें, रुक जा रुक जा, अच्छा यहाँ पे कम इधर आ, कम ओके ओके कम टू बॉय सेट सेट टू बॉय स्टे, बात करने दें फिर चलेंगे ओके। तो जब भी हम डब्लू पे जाते हैं तो इसके अंदर 40 बैग्स हैं, और यहाँ से बैग निकालो और उसका पूप उठाओ, बंद करके ट्रैश कर दो। तो हमने इसके अंदर डाल रखा है, बहुत कन्वीनियंट है, आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट आइटम बॉडी की हार्डनेस, बॉडी हार्डनेस बहुत अच्छी हार्डनेस है, ये भी अमेजोन से ली हुई है। तो यहाँ पर बॉडी कैसे मूव जाता है, वैसे बॉडी का मूव जाता है इसके अंदर, और आप इसको यहाँ से, ये इसकी बॉडी हार्डनेस है, बहुत अच्छी रहती है, नेक पे प्रेशर नहीं आता इससे। और ये हो गया बॉडी तैयार। इसके बाय द वे ये वाली हार्नेस हम कार में भी यूज़ करते हैं, जब हम उसको सीट बेल्ट वगैरह लगाते हैं तो अब यहीं पर ही हम उसको, ये जो उसका लॉक है, यहाँ पर ही लॉक कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छी हार्नेस है, नेक पर प्रेशर नहीं आता क्योंकि पूरा चेस्ट पे उसका प्रेशर रहता है। तो आई थिंक दिस इज रियली गुड, लाइक जो कॉलर्स पे आप लीश लगाते हैं उससे अच्छी रहती है। तो ये तो बड़ी पहन लिया, मैं उतारूंगा नहीं। बड़ी का टॉयज दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत सारे टॉयज है बड़ी के पास। ये डायनासोर वाला टॉय है, एक्चुअली क्रोकोडाइल है, सॉरी यार दिस इज अ क्रोकोडाइल। ये हमने अमेजोन से लिया है क्योंकि बडी ने सारे अपने टॉयज फाड़ दिए। अब बडी एडल्ट होने लगा है, उसके दांत इतने स्ट्रांग हो गए हैं, अब वो जो पपी वाले टॉयज थे वो सब फाड़ चुका है। आपने देखा था हमारे पास एक चिकन था जो स्क्वीज करते हुए आवाज़ करता था, वो फट चुका है, बहुत सारे टॉयज फाड़ दिए बडी ने। तो ये रबड़ का टॉय है बाय द वे, पर ये इतना स्ट्रांग है ये बडी से नहीं फटता, ये इंडिस्ट्रक्टिबल है। ये मैन्युफैक्चरर भी ऐसे ही क्लेम करते हैं, दिस इज इंडिस्ट्रक्टिबल। तो ये एक इंडिस्ट्रक्टिबल टॉय है, ये एक बडी का इंडिस्ट्रक्टिबल टॉय है। और ये वाला बेटर इसलिए क्योंकि आप इसके अंदर ट्रीट्स डाल सकते हो, और ट्रीट डालो छोटी छोटी, या मटर डालो, गाजर डालो, और बडी से खेलता है ना तो यहाँ छेक में से बाहर निकलती रहती है, तो बडी उसको खाता है ना तो उसका अच्छा टाइम पास होता है। और ये भी इंडिस्ट्रक्टिबल है, ये भी फटता नहीं है। तीसरा इंडिस्ट्रक्टिबल टॉय है ये वाला, ये गोल गोल सा कुछ है रबड़ का, बहुत हार्ड रबड़ है, ये भी बडी से टूटती नहीं है, तो लगा रहता है तीनों में। अब जब भी हम टॉय लेते हैं बडी के लिए, ऐसे ही लेते हैं इंडिस्ट्रक्टिबल वाला, अब ये वाले तो नहीं लेते आप, क्योंकि मैं दिखाता हूँ ये क्यों नहीं लेते हम लोग, क्योंकि इसका ये एक चिकन होता था, आप देख सकते हो इसकी ये ऊपर एक हेड था, वो हमने काट दिया, इसके पैर काट दिए हमने, क्योंकि वो सब बडी फाड़ चुका है, तो हमें फटी हुई चीज़ें हमें काटनी पड़ती हैं, तो या कुछ टाइम ये भी फेंकना पड़ेगा। तो ऐसे टॉयज हम नहीं लेते अब हम। ये लकीली ये टॉय फट सकता है कभी भी, पर बडी ने इसको फाड़ा नहीं, आई डोंट नो क्यों, ये बडी को अच्छा लगता है बर्गर, और ये स्पेशली जब हम लोग टीवी देख रहे होते हैं ये इसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे करके वो बहुत शोर मचाता है और हमें बिल्कुल टीवी नहीं देखने देता। तो ये तो बडी का फेवरेट टॉय है, जब भी हम टीवी देखेंगे उसको यही चाहिए। आ गया बडी, देखो ऐसे शोर मचाना है उसने। ये भी एक रबड़ का टॉय है, और ये भी अभी तक फटा नहीं बडी से, इसके अंदर भी हम कभी पीनट बटर लगा के, कभी ट्रीट्स वगैरह डाल के, इससे भी टाइम पास होता है बडी का। ऑलराइट मूविंग ऑन, मैं आपको तीन चार टॉयज और हैं बडी के पास, ज़्यादा नहीं बचे अब तो, कम ही है। ये बडी का बहुत फेवरेट हस्की है, अभी भी इसको ही देख रहे हो, और पूरे दिन इसको लेके घूमता रहता है इधर उधर, फिर तो मैं बडी को ही दे देता हूँ। और नेक्स्ट एक इसके अंदर एक बॉल होती थी, वो बड़ी निकाल दी है, निकाल के फाड़ दी है बॉल भी, लाइक जो वैसी बॉल नहीं होती टेनिस बॉल जो होती है, वो भी निकाल के फाड़ दी है बड़ी ने, तो अब यही रही है, ये नहीं फटा अभी तक। नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये बड़ी का टग का टॉय है, ये दीवार पे लगाओ, ज़मीन पे लगाओ, इसके मैंने वीडियो बनाई थी एक, इसके अंदर भी आप ट्रीट डाल सकते हो, तो यहाँ से टग खेल सकता है, तो बड़ी इससे कम खेलता है पर खेलता है। और बड़ी की सेकेंड फेवरेट टॉय है ये वाला हस्की के बाद, ये उसका टग का टॉय। बड़ी सबसे ज़्यादा सिर्फ एक गेम खेलता है, वो है टग, बाकी गेम भी खेलता है पर टग की ज़्यादा खेलता है वो, और इससे टग खेलता है बड़ी मेरे साथ। मीनवाइल बड़ी मेरे पास आ गया है, बड़ी को मेरे पे प्यार आ गया अचानक से,
तो मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट आइटम क्या रखे मेरे सामने, उसके हैं ग्रूमिंग ब्रशेस और एक और। ये तीन टाइप के ब्रशेस हैं मेरे पास जिसे मैं ग्रूम करता हूँ बॉडी को एवरी 3-4 डेज में तो कर ही देता हूँ एटलीस्ट। ये तो ऑफकोर्स डी शेडिंग के काम आता है, इसकी एक वीडियो बनाई थी मैंने जब वो नहा रहा था वो बाथिंग वाली वीडियो, और एक स्पेशल ग्रूमिंग की भी वीडियो बनाऊंगा मैं फ्यूचर में। तो ये इससे हम बॉडी को ब्रश करते हैं, इससे इसके बाल निकलते हैं। ये बॉडी का कॉम्ब है जिससे बॉडी का हम कॉम्ब करते हैं, तभी बॉडी गुड लुकिंग बनता है। और एक थर्ड कॉम्ब है, ये एक फ्ली कॉम्ब है, ये बहुत ही कम यूज़ हुआ है। आई थिंक ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने लिया और मेरे को बहुत ही कम यूज़ हुआ है, कभी यूज़ ही नहीं हुआ, तो आई वोंट रिकमेंड दिस। तो ये ऐसा, इसको आप इससे कॉम्ब करो तो इसके अंदर फ्लीज आ जाती हैं, पर्पज सही होता है। पर सिंस हम बॉडी को फ्ली ट्रीटमेंट देते हैं जो कि है ये घर पे ही मैं एवरी मंथ बॉडी को फ्री ट्रीटमेंट खुद ही करते हैं हम लोग, शिल्प और मैं दोनों मिलकर। तो इससे फ्लीज एंड टिक्स दोनों दूर रहती हैं, तो इस कॉम की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी की फेवरेट टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। बॉडी इन दोनों के पीछे दीवाना है, बॉडी रोज़ रात को हमारे टूथब्रश करने के बाद खुद से आके खड़ा हो जाता है वहाँ पर और कहता है मुझे ब्रश करो, लाइक रोज़ रात को वी ब्रश एवरी नाइट। ये बॉडी का चिकन फ्लेवर टूथपेस्ट है और बॉडी का ब्रश, इससे हम बॉडी के दांत ब्रश करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी के कितने वाइट दांत हो रहे हैं। बेटे दांत दिखाओ सबको अपने, कितने वाइट दांत है, मेरे भी नहीं है इतने दांत। गुड बॉय। ओके मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी का वाटर बोल, ये है ट्रैवल वाटर बोल। ट्रैवल इसलिए क्योंकि फोल्डेबल है, इसको डीप कर दो तो आप इसके अंदर पानी डाल के, तो जब भी हम कभी कार में जाते हैं, कार हाँ, तो ऐसी बड़ी पानी पीता उसमें से जैसा भी पी रहा है। अच्छा, तो जब भी हम कार में जाते हैं तब इसके अंदर हम पानी भरते हैं और बॉडी को पानी पीने में बहुत इजी रहता है इसमें, तो फोल्डेबल है, फोल्ड करके हम इसमें पानी पिलाते हैं। वैसे बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट है हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये है लिंट रिमूवर, ये रियूजेबल है बाय द वे। जब बॉडी के बाल हमारे कपड़ों पे आ जाते हैं, अभी तो आपको पता नहीं, आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है दिख रहा, तो अगर ऐसे रब करो आप तो सारे बाल इस ब्रश के अंदर आ जाते हैं। अभी तो बाल बहुत कम है, अगर आप ब्लैक कलर का कपड़ा पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दिखते हैं। तो जब आप उसको इस डायरेक्शन में यू नो ऐसे रब करेंगे अगर सरफेस के ऊपर, सारे बाल इसमें आ जाएंगे। और ये रीयूजेबल इसलिए है, आपको बस इसको अंदर डालना है, बाहर निकालना है, सारे बाल अंदर रह जाते हैं नीचे, तो कि आप इसको नीचे से खोल के उसको ट्रैश कर सकते हैं। तो लिंट रिमूवर एक वो भी आती हैं जो स्ट्रिप्स होती हैं, पर वो रीयूजेबल नहीं होती। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, हम लोग यूजली तो बॉदर नहीं करते साफ़ करने का, पर जब हम लोग अभी बाहर जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, मार्केट जाते हैं, या फिर कोई गेस्ट आता है हमारे यहाँ पे, तब हम उसको इससे साफ़ कर देते हैं, लेकिन उनके कपड़े साफ हो जाते हैं इससे। ओके आधा पार्ट हो चुका है, अब बाकी सामान मैं आपको दिखाता हूँ। मोस्टली तो इसमें ट्रीट्स हैं, सबसे पहले बॉडी का भालू, ये बॉडी का टेडी बेयर है, इसके साथ वो बचपन से सोता आ रहा है तो इसको बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ रोज रात को वो चिपक के सोता है, तो ये बॉडी का टेडी बेयर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी की ट्रीट्स। बॉडी के पास अब इस समय 4-5 तरह की ट्रीट्स हैं, और हम लोग दिन में ज़्यादा ट्रीट तो नहीं देते बॉडी को, 2-3 ट्रीट्स देते हैं डिपेंडिंग अपॉन इज वेट एंड एज, पर डिफरेंट वेराइटी, कभी कोई, तो ऐसे करके हम रोटेट करते रहते हैं। तो ये है डेंटा स्टिक्स, इसकी 2-3 वेराइटीज़ और रखी हैं अंदर हमारे पास, मिंट फ्लेवर रखा है, ये ओरिजिनल फ्लेवर है, यू नो अलग अलग फ्लेवर की आती हैं वो भी रखी है हमारे पास। तो ये है डेंटा स्टिक्स, ये बहुत पसंद है बड़ी को। ये हैं छोटी छोटी, ये बहुत छोटी छोटी चिकन बाइट्स हैं, इस टाइप की है, हार्ट शेप की है। मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ आपको, बड़ी को दे भी देता हूँ, लाइक कितनी छोटी छोटी हार्ट साइज की हैं, हार्ट शेप की। दिस इज अमेजिंग, ये बहुत बड़ी
ये इतनी बड़ी एक चिकन फ्लेवर ट्रीट है जो कि हम आधे आधे करके देते हैं बड़ी को। तो चिकन फ्लेवर ट्रीट्स हैं, बहुत बड़ी है, बड़ी पावर है इसके लिए। ये है चिकन एंड एप्पल के बिस्किट्स, तो ये भी बड़ी को बहुत पसंद है। ये छोटे से हैं पर चिकन एंड एप्पल के हैं, तो ये भी बड़ी को देता हूँ। सॉरी स्टेक बोले ओके को भाई। तो ये था चिकन एंड एप्पल बिस्किट, ये चिकन की ट्रीट है, ये बोन शेप की है। मेरे पास दो तरह की ट्रीट्स और रखी है। ये है ब्रश, ये दांतों के लिए होती है बेसिकली। ये अगर आप कभी कभी ब्रश करना भूल जाओ, तीन चार दिन से अगर आप बिजी हो, ब्रश नहीं कर पाए, तो आप ये वाली ट्रीट ले सकते हो। ये दांत क्लीन करने में अच्छी रहती है, तो आप देख सकते हो ये ब्रश की शेप में है, तो ये भी हम कभी कभी देते हैं बड़ी को। और ये है एक ये भी एक चिकन फ्लेवर की बोन है बड़ी की। ये बहुत बड़ी बोन है एक्चुअली, इसके अंदर सिर्फ दो है, तो ये अभी मैं बड़ी को नहीं दूंगा। ये काफ़ी बड़ी है एक्चुअली, बहुत बहुत कैलोरीज है इसके अंदर। तो ये थी सारी ट्रीट्स हमारे पास जो अभी रखी हैं घर पे, और यू नो हम कभी कभी रोटेट करके बड़ी को देते रहते हैं। अब मेरे पास आई थिंक लास्ट की तीन चार आइटम्स और हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है 33 फीट लंबी लीश। तो आप ये तो आपने देखा ही है, जब भी हम बीच पे जाते हैं, स्नो पे जाते हैं, कभी यू नो जब ऐसे एरिया पे जाते हैं कि हम बॉडी को खुला छोड़ सकते हैं, फुली खुला नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बॉडी इतना फ्रेंडली है वो किसी के पास भी भाग जाता है। तो कहीं यहाँ पर सबको पसंद भी नहीं होता डॉग, तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है आपको डॉग को हमेशा। तो इसलिए आपने देखा हम बॉडी को बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ा हमने, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो वो भाग के किसी और के ऊपर चढ़ यू नो जंप मार दे, कोई और कोई बेचारा इंजर हो जाए बॉडी की वजह से, तो हम वो नहीं चाहते, तो हम उसको लीश पे रखते हैं मोस्टली। और ये है बहुत लंबी लीश, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। ऑलराइट, आखिरी चार चीज़ें हैं मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये क्रीम से, ये बाम है पॉ शील्ड। ये है बॉडी के पॉज के लिए, जो उसके नीचे पॉज जो पैड्स होते हैं, डेली बाहर सरफेस पे, गर्मी में, सर्दी में, स्नो पे, रफ ड्राई सरफेस पे, बहुत ही वो यू नो बहुत ड्राई क्रैक हो जाते हैं। हमारे ह्यूमंस के भी पैर यू नो क्रैक हो जाते हैं, राइट? ऐसे डॉग्स के भी जो पैड्स होते हैं पॉज के, वो क्रैक पड़ जाते हैं। तो ये एक पॉ क्रीम है, ये सेफ़ होती है उनके लिए। वो मैं बॉडी के पॉज पे यूजली हफ्ते में एक बार तो लगा ही देता हूँ। इससे उसके थोड़े से ना पॉज क्रैक होना कम हो जाते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाता है उनके पैड्स को, और सेफ होता है। तो वो लिक भी कर लें, चाट लें अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दैट्स यू नो वन ऑफ द मेंटेनेंस आइटम। मैं आपको दिखाता हूँ उसका नेल का केयर मैं कैसे करता हूँ। आई नो आपने बहुतों ने मुझसे बोला है कि उसका नेल कटिंग, नेल ट्रिमिंग के लिए मैं वीडियो बनाऊँ, पर लकीली हमें बॉडी की नेल कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एज सच, क्योंकि जो हमारे यहाँ फ्लोर पे भागने से, चलने से, उसके नेल ऑलरेडी ग्राइंड हो जाते हैं नीचे से, तो हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने बढ़ते नहीं हैं उसके लिए। पर जो आप ये वाला नेल देख रहे हो, ये जो थंब होता है, आई थिंक ये वाला नेल जो ज़मीन पर टच नहीं करता है, ये थोड़े थोड़े टाइम में बढ़ जाता है। तो इसको काटने के लिए मैंने दो तरह के कटर एंड ट्रिमर लिए हुए हैं। सबसे पहले तो है एक ट्रिमर, कटर ट्रिमर जो भी आप बोलें। इससे बॉडी के नेल यू नो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। और नेल काटना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इतना आसान नहीं होता। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो थोड़ा सा नर्वस भी हो सकते हैं आप। उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा कभी, जब मुझे इसकी नेल काटने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपसे आपके साथ शेयर करूंगा कि उसको कैसे नेल काटते हैं उसके। क्योंकि उनके नेल के अंदर एक होता है क्विक, वो एक बोन का पार्ट होता है। अगर आपने गलती से वो काट दिया तो उनको पेन हो सकता है और वहाँ से ब्लड निकल सकता है। तो इसलिए आप एकदम से नेल मत काटें अपने डॉग का, अभी प्रोफेशनल को ही दें करने के लिए ये काम, जब तक आपको नहीं आता। पर मैं थोड़ा थोड़ा उसके थंब वाला नेल काट के मैं सीख गया हूँ थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं कर लेता हूँ खुद से। तो यह ट्रिमर जो मैंने बॉडी के नेल के लिए लिया हुआ है, और कभी कभी मैं उसके लिए ग्राइंडिंग करता हूँ, ट्रिमिंग ना करके ग्राइंडिंग करता हूँ। ट्रिमिंग करता हूँ अगर मुझे बहुत सारा पोर्शन काटना है उसके नेल का, जब वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जब वो क्विक के पास आने लग जाता है, जो क्विक उसका बोन का पार्ट होता है अंदर नेल के अंदर, तब मैं ग्राइंड करता हूँ उसके नेल को। ये भी बहुत अच्छा है, इससे भी हम उसके नेल ग्राइंड कर सकते हैं। और एज अ प्रिकॉशन, एज अ सेफ्टी एक्चुअली,
मैंने एक क्विक हीलर लिया हुआ है जो आप देख सकते हो, एक अमेजोन से लिया, ये मैंने इसलिए लिया है कि इन केस गलती से अगर मैं उसका क्विक काट दूँ या अगर गलती से क्विक भी अफेक्ट हो गया तो उसको ब्लड निकलने लगेगा, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं कहीं एकदम से मैं वेट के पास तो जा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने एक पाउडर आता है, ये पाउडर अगर आप उसके ब्लड पर लगा दो तो उससे उनको पेन में हेल्प मिलेगी, पेन कम हो जाएगा और ब्लड भी रुक जाएगा, ब्लड भी निकलना बंद हो जाएगा। तो ये भी एक क्विक स्टॉप करके क्रीम पाउडर आता है अमेजोन पे। तो इन सारी चीज़ों का इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। और आई थिंक दैट्स इट। और एक्चुअली नो, मेरे पास दो चीज़ें और हैं दिखाने के लिए जो मैं यहाँ नहीं ला पाया हूँ, वो कार में है, बडी का कार सीट हैमक और उसकी सीट बेल्ट। तो बड़ी का कार सीट हैमक और उसकी सीट बेल्ट, मैं आपको कार के अंदर चल के दिखाता हूँ वो दोनों चीज़ें। ओके, ये है कार के अंदर सीट हैमक और उसके अंदर ऊपर लगी है सीट बेल्ट। तो आप देख सकते हो जो पीछे का पार्ट है उसका वो ऑलरेडी लगा हुआ है अंदर बेल्ट में, और ये वाला उसकी बॉडी हार्नेस में जाता है। और ये हैमक जो सीट को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करती है, अगर आपकी लेदर सीट है तो स्पेशली अपने आपके डॉग्स के नेल से लेदर सीट बचेगी, लेदर नहीं फटेगा, कोई क्रैक नहीं आएगा। और ये वाटरप्रूफ होती है, अभी तो ये नीचे है पर अगर इसको उठा के मैं यहाँ पे लॉक कर दूँ तो इट्स काइंड ऑफ एक हैमक बन जाएगा और बड़ी वहीं पे बैठा रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको कार में ट्रैवल करना अपने डॉग के साथ, सीट बेल्ट और सीट हैमक बहुत ज़रूरी है। और गाइस, ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड लेट मी नो आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगा, और सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।